नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी ने कुंदर की और सीसा मऊ का जिक्र किया है और बाहरी लोगों की फर्जी आईडी बनाने का आरोप लगाया है। फर्जी मतदाताओं पर कार्रवाई हो, ये बीजेपी ने कहा है। मदरसों में बाहरी लोगों को ठहराया गया, भाजपा ने बड़ा आरोप लगाया। पहचान के बाद ही मतदान करवाएं, बीजेपी ने चुनाव आयोग को यह चिट्ठी लिखकर बातें कही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह चिट्ठी लिखी गई है और यूपी बीजेपी ने यह चिट्ठी लिखी गई है और साफ तौर पर कहा है कि कुंदरकी और सीसा मऊ का जिक्र करते हुए कि कुछ बाहरी लोगों की भी आईडियां बनवाई गई हैं, उनकी फर्जी आईडी बनाने का आरोप लगाया। फर्जी मतदाताओं पर कार्रवाई की जाए। निर्वाचन अधिकारी को लिखी गई चिट्ठी में भाजपा ने ये बातें कही और ये बड़ा आरोप लगाया है। यूपी में 9, उत्तराखंड में 1 सीट पर वोटिंग चल रही है। आज उपचुनाव की वोटिंग हो रही है और इस बीच कुंदरकी और सीसा मऊ का जिक्र करते हुए बीजेपी ने बाहरी लोगों का फर्जी मतदान का आरोप लगाया कि उनकी फर्जी आईडी बनाई गई है, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मदरसों में बाहरी लोगों को ठहराया गया है और इन्हीं लोगों की आईडी बनाकर इनको घुसाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह चिट्ठी भाजपा की ओर से लिखी गई। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है, उसके लिए वोटिंग चल रही है और उस बीच वोटिंग के दौरान बीजेपी ने यह बड़ा आरोप लगाया और कहा कि फर्जी मतदाता बनाए गए हैं, बाहरी लोगों को मदरसों में ठहराया गया है, मस्जिदों में ठहराया गया है और उनकी फर्जी आईडी बनाई गई है और चुनाव आयोग अब उन पर कार्रवाई करे। फर्जी जो ये आईडी धारक है, इन पर कार्रवाई हो। यूपी बीजेपी ने चिट्ठी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपी है। और मैनपुरी से इस बीच बड़ी खबर है। सपा नेता पर दलित लड़की की हत्या का आरोप, लड़की के परिजनों ने यह आरोप लगाया है। बीजेपी को वोट देने की बात कहकर हत्या का आरोप लगाया है, गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया गया एक सपा नेता पर। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त है। लड़की के परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी को वोट दिया इसीलिए बेटी की हत्या कर दी गई, गला दबाकर हत्या कर दी गई। मैनपुरी से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सपा नेता पर एक दलित लड़की की हत्या का आरोप उसके परिवार ने लगाया है, इसलिए कि बीजेपी को वोट किया, गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। परिवार ने यह आरोप सपा पर लगाया। इतनी बात के ऊपर है बता रहे, बहाने जगह हम किसी से डरते नहीं, मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बहाने कही तू दुरगिया है तो तू चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल और बस जाए पकड़ लाइए। मीडिया बोली कम फूले में वोट दिए जो प्रधान तो बोलो ताकि लम वोट डाल, नहीं तो तू तुरगा तेरे नौ तुरगिया की तुम तुरगिया बनाई दिए। जाने कल मेरी बिटिया को मारा, एक बजे मोटरसाइकिल में बैठा ले गो, रात दिन में ढूंढो रात में डंडा में पता करिए बिटिया ना आई हवाई। इस पूरे मामले पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने लिखा है, लाल टोपी वाले गुंडों का कुकृत्य एक बार फिर से सबके सामने है। पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव के लाल टोपी वाले गुंडों ने करहल में दलित बेटी के निर्मम हत्या कर दी। अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के गुंडों को नियंत्रण में रखना चाहिए, नहीं तो कानून और प्रशासन तो है ही। तो अमित मालवीय ने सपा पर निशाना साधा और साफ कहा कि अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के गुंडों को नियंत्रण में रखना चाहिए, नहीं तो कानून और प्रशासन तो है ही। एक दलित परिवार ने आरोप लगाया है कि चूंकि उन्होंने बीजेपी को वोट किया इसीलिए सपाई गुंडों ने उनकी बेटी की निर्मम हत्या कर दी, गला दबाकर हत्या कर दी, जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। समाजवादी पार्टी को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। पूरे मामले पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने लिखा है कि लाल टोपी वाले गुंडों का कुकृत्य एक बार फिर से सबके सामने है। पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव के लाल टोपी वाले गुंडों ने करहल में दलित बेटी की निर्मम हत्या की। अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के गुंडों को नियंत्रण में रखना चाहिए, नहीं तो कानून और प्रशासन तो है ही। वहीं मैनपुरी में लड़की की हत्या मामले में एसपी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है। देखिए, ये कल शाम से ही वो लड़की लापता थी और जिन पे आरोप था उनको रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, तो ये बिल्कुल असत्य है कि इस तरह की कोई बात है। उसमें जो डेड बॉडी मिली है, सुबह मिली है, उसको पंचायतों में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। जो आरोपी हैं उनको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और पूरी उसमें विधिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। परिजन करें कि पुलिस ने नहीं बल्कि आरोपी को हम लोगों ने पकड़ के दिया है, पुलिस अगर सही समय से अगर ढूंढती तो शायद उनकी बेटी जिंदा मिल जाती। नहीं, जितनी देर जिस समय सूचना आई थी तत्काल पुलिस ने रिएक्ट किया और आरोपियों को भी उस समय पुलिस हिरासत में लिया और लड़की की भी तलाश परिजनों के साथ पुलिस कर रही थी,
और उसी में आज सुबह डेड बॉडी मिली। तो आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से चुनावी मैदान में आरोप प्रत्यारोप लग रहा है और ऐसे में पुलिस जो है अपनी सफाई देती हुई नजर आ रही है। करहल से बड़ी खबर, मैनपुरी से बड़ी खबर, यहां पर एक दलित परिवार ने आरोप लगाया। तो इसके अलावा जो 9 सीटों पर आज उपचुनाव चल रहा है जिनके लिए वोटिंग हो रही है, एक एक बार सब जगह से अपडेट ले लेते हैं। फूलपुर से हमारे साथ सर्वेश दुबे हैं, हमारे साथ खैर सीट से रंजीत सिंह हैं। सबसे पहले फूलपुर का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, फूलपुर सीट ऐसी सीट है जहां से बीजेपी का अपना बड़ा दावा है, तो वही इसी सीट को लेकर कांग्रेस और एसपी से कौन लड़ेगा, किसके पाले में सीट जाएगी, उसे लेकर भी एक खींचतान रही। लेकिन असल में यहां मुद्दे क्या हैं और किस तरह चुनाव पार्टियों ने यहां पर लड़ा है? देखिए, अगर हम फूलपुर की बात करें तो यहां पर विकास और सुशासन ही सबसे बड़ा मुद्दा है और बीजेपी इसी मुद्दे के साथ आगे बढ़ रही थी। लेकिन समाजवादी पार्टी को जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 18,000 मतों की बढ़त मिली थी, उसके आधार पर समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही थी कि इस सीट पर वो बढ़त बनाएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूं अंदावा इलाके में, ये कम्पोजिट अपर प्राइमरी स्कूल है, यहां पर कुल 3 बूथ बनाए गए हैं। देखिए कि मतदाताओं की संख्या कम है, सुबह थोड़ी ज्यादा मतदाताओं की संख्या थी लेकिन इस समय तक मतदाता काफी कम हो गए हैं और अब इक्का दुक्का मतदाता यहां पर आ रहे हैं जो कि अपने वोट को कास्ट करने जा रहे हैं। और जो मतदाता यहां पर आ रहे हैं वो यहां पर अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय तक अगर बात करें तो 1 बजे तक करीब 25% ही मतदान हुआ है, 12 बजे तक जो है करीब 17.63% मतदान हुआ था। तो यानी कि मतदान धीरे धीरे बढ़ रहा है। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स की अगर बात करें तो पुलिस के साथ ही एसएसबी को तैनात किया गया है, पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। लगातार जो लोग आ रहे हैं वो अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। शायद है कि ये मतदान करके आए। भैया ये बताइए, वोट दे दिया है आपने? जरा स्याही दिखाइए, आप वोट देकर आ रहे हैं। तो ये देखिए कि वोट देकर आ रहे हैं, स्याही दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? समर सिंह। समर जी, ये बताइए कि किस तरह से क्या मुद्दे इस सीट पर हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट कास्ट कर रहे हैं? अब ज्यादा तो नहीं कहेंगे, ये विकास के नाम पे, विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं। यहाँ क्या समस्याएं हैं? फूलपुर शहर से लगा हुआ क्षेत्र है, क्या समस्याएं हैं यहाँ की? वैसे तो फिलहाल अभी तक समझ नहीं आया कोई समस्या। हम लोग तो यहाँ मतलब कोई समस्या ही नहीं है, है पर जाने दीजिए हम भी थोड़ा। तो ये तमाम लोग हैं जो कि इक्का दुक्का करके अब यहाँ पर मतदान करने आ रहे हैं। विकास यहाँ पर बड़ा मुद्दा है जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन विकास यहाँ पर हुआ है क्योंकि शहर से सटी हुई विधानसभा है और इस सीट पर ही जो है इफ्को की सबसे बड़ी जो फैक्ट्री है वो है। तमाम महिलाएं देखिए अभी वोट कास्ट करके यहाँ पर निकल रही है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर वो क्या कहती है। आपने वोट दे दिया है? स्याही दिखाइए, वोट दिया है आपने? स्याही हिसाब कर दिया? अरे वाह, बहुत चला गया आप तो, स्याही हिसाब कर दिया। ये बताइए कि क्या मुद्दा है यहाँ पर? आप नहीं, माता जी आप बताइए, स्याही लगाई है, वोट दे दिया? क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? कुछ समस्या है? कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया, एकदम बढ़िया है सब। वोट दे के आ गई? आपने भी वोट दे दिया? कोई समस्या है यहाँ पर, किस बात पे वोट दे रही है? सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हैं, उनका कहना है कि सब ठीक चल रहा है, वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने अपील की थी कि लोग घरों से निकले, पहले मतदान करें फिर जलपान करें, लेकिन दोपहर का वक्त है और इस समय भी आप देखें कि यहां पर 3 बूथ हैं और तीनों बूथों पर कोई ज्यादा लाइन नहीं लगी हुई है। इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं और अब तक का जो आंकड़ा है करीब 25% के आसपास वोटिंग पूरे जिले में हुई, मतलब पूरे विधानसभा क्षेत्र में हुई है। तो वोटिंग की रफ्तार भी काफी धीमी है, कुछ और भी लोग आए हैं वोट डाल के। दादा आपने वोट कर दिया है? स्याही दिखाइए, ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? इन लोग मत बोलने दीजिए दादा, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? अरे मुद्दा क्या बताएं, हम मुद्दे का मुद्दे सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जो लोग हैं वो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है और यहाँ पर विकास जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सुशासन मुद्दा है, उसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर लोग सर्वेश, तो लोगों ने अपने मुद्दे का तो जिक्र कर दिया कि विकास देख रहे हैं लोग या और किस तरह की उनकी उम्मीदें और आकांक्षाएं हैं और कुल मिलाकर शांतिपूर्ण मतदान अभी तक फूलपुर में चल रहा है।